नमस्ते प्यारे और संस्कारी बच्चों, संस्कारी कैसे बनते हैं, संस्कार क्या होते हैं, आदत क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे मेरे दादाजी, वो अगर गाली नहीं देते थे तो मैंने कभी गालियां सुनी नहीं, ठीक। पिताजी भी गाली नहीं देते तो एक संस्कार बन गया, मुझे भी कभी गाली देने की जरूरत नहीं पड़ी, बुरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां ऐसा माहौल दिखता है वहां से मैं अपने आप को कट ऑफ कर लेता हूं, संस्कार बन गया। इट डिपेंड्स कि हम कैसा बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहिए। बुरा बनना तो आसान है, पर अनबैलेंस क्रिएट होगा, बुराई बढ़ती जाएगी, बुराई बढ़ती जाएगी, गलत चीजें बढ़ती जाएंगी, गलत चीजें प्रोपेगेट होंगी। तो हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि गलत चीजों को प्रोपेगेट होने से रोकें, जिससे आगे के लिए माहौल अच्छा मिले। तुम्हारी आगे वाली पीढ़ी आएगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो माहौल कैसा चाहते हो तुम उनके लिए? तो नेचुरल सी बात है, इसलिए अपने व्यवहार को मर्यादित करो, कंट्रोल लगाओ उसमें। भले तुम कैसे भी माहौल में रह रहे हो पर तुम्हें अपनी तरफ से उसको बर्बाद नहीं करना। डेट लगाओ आज में 25 9, इसका वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रखा है, किसी ने उसको करके वॉल्यूम बढ़ा रखा है। वॉल्यूम कम कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ से, ये दूसरे आवाज बहुत कम हो रही है उसमें, किसी ने गड़बड़ कर रखा है। रेडियोएक्टिविटी पढ़ना शुरू कर चुके थे हम लोग ना? नहीं। रेडियोएक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस जिसको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम जो नहीं कर सकते इसको कंट्रोल किसी भी तरह से, ज्यादा हाँ मैं बोल रहा हूँ सही बोल। रेडियोएक्टिविटी को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये गलत फहमी है कि रेडियोएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कहां से पैदा होती है गलत फहमी? हाँ ठीक है, बस ये गलत फहमी यहां से पैदा होती है कि कंट्रोलिंग रॉड से आइडिया आता है, तो वो वहां फिशन की रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेडियोएक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तुम केमिकल रेट को कंट्रोल कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ा सकते हो कैटलिस्ट डालकर। तुम्हारा खाना जो हजम नहीं हो रहा है तो तुम झंडू 45 पीकर खाने का हजम होने की जो रेट है, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन की रेट को कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और रेडियो एक्टिविटी को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी खोज की हेनरी बैकवरल ने, एक्सीडेंटली इसकी खोज हुई। न्यूक्लियर फिनोमेना है, तुम्हें लिखना भी है ना कॉपी में, देख पा रहे हो सभी लोग या ऑनलाइन चलो? तो डैश नोटेशन में तुम लिख सकते हो रेडियो एक्टिविटी इज, वाज नहीं लिखना, इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना। हेडिंग है रेडियो एक्टिविटी, उसमें लिखना है इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना इन विच, इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना इन विच An unstable nucleus undergoes a decay. उसका क्षय होगा, शरण होगा, ये शब्द है हिंदी में, क्षय शरण decay, घटता चला जाएगा। For example, न्यूट्रॉन की मीन लाइफ 1000 सेकेंड है पर हाफ लाइफ 12 सेकेंड है, तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ का कंसेप्ट भी सीखने वाले हम रेडियो एक्टिविटी में। ये बैकवरल हैं और ये मैडम क्यूरी हैं। सो मैडम, थ्री टाइप्स ऑफ
radioactive radiations. जो बोल रहा हूँ वो लिखना. Three types of radioactive radiations. First, alpha. Alpha के आगे dash लगाकर Hg24 bracket में helium nucleus. अल्फा के आगे डैश लगाकर हीलियम न्यूक्लियस. सेकंड बीटा, इसके आगे डैश लगाकर इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में बीटा माइनस और पॉजिट्रॉन ब्रैकेट में बीटा प्लस. बीटा डैश इलेक्ट्रॉन्स, बीटा माइनस और पॉजिट्रॉन बीटा प्लस. सभी लोग जानते हैं पॉजिट्रॉन कैसे पार्टिकल है, जिनका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है पर चार्ज होता है पॉजिटिव. गामा, हाई एनर्जी ईएमडब्ल्यू, हाई एनर्जी ईएमडब्ल्यू. एनर्जी का डेटा भी दिया हुआ है, ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो. जब इन्होंने लिखा हंड्रेड्स ऑफ केईवी तो तुम क्या लिखोगे? 10^5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तुम लिखोगे 10^5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस ऑर्डर में, ठीक है? नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. उसके पहले ओरली तुम्हें पता होना चाहिए कुछ बातें, हमेशा के लिए सीख सकते हो ओरली. तुमसे कभी कभी कहते हैं कंपेयर करो अल्फा बीटा और गामा को. तो हम एक टेबल बनाते हैं, हम बताते हैं अल्फा इज पॉजिटिव चार्ज, बीटा इज नेगेटिव चार्ज, गामा इज अनचार्ज न्यूट्रल. और इसी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो अल्फा जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, बीटा जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, गामा अनडेविएटेड स्टेट चला जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड में भी गामा अनडेविएटेड स्टेट चला जाएगा जबकि अल्फा और बीटा डेविएट हो जाएंगे. क्लॉकवाइज होगा, एक तो एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. फिर बीटा अल्फा से छोटा है, हल्का है. अल्फा भारी है, बड़ा है, धीरे चलता है. कितना धीरे? स्पीड ऑफ लाइट की 1/100 स्पीड पर, 1/100 भाग स्पीड ऑफ लाइट का. तो इतना धीरे चलता है. जब धीरे चलता है तो सबसे मिलता जुलता आगे बढ़ता है. आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? अल्फा की. गामा रे है, हाईएस्ट एनर्जी, सबसे तेज चलती है गामा रे. तो जब सबसे तेज चलेगी तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा रे. और उसमें सीधे सीधे रेशियो बनता है. अगर हम बोले आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा की, उसकी 1/100 बीटा की, और बीटा की भी 1/100 गामा की. आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर की बात करें सबसे ज्यादा गामा की, उसकी 1/100 बीटा की, उसकी 1/100 अल्फा की. 100-100 का रेशियो चलेगा और एक्सट्रीम्स के बीच लोगे तो 10,000 का हो जाएगा. 100 × 100 10,000. सही है क्या? 10,000 चार्ज जीरो आ गए, ठीक है? तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज को. इसके लिए तुम सिंपल सा एग्जाम्पल याद रख सकते हो. किसी शादी समारोह में खाना खाने जाना है तुमको, अगर वहां तुम किसी को नहीं जानते तो तुम सीधे पेनिट्रेट कर जाओगे खाने की टेबल तक, खाना खाओगे और घर. और वहां बहुत से लोगों को जानते हो तो सबसे मिलोगे, टाइम लगेगा, इंटरेक्शन होगा. आयनाइजेशन पावर बढ़ गई और पेनिट्रेशन पावर कम हो गई, जस्ट लाइक दैट. तो इन तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा. फिर इनका डीके कैसे होता है, कब होता है, वो भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले तुम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लिखो. इसको सोडी फैजांस लॉ भी बोलते हैं. सोडी फैजांस रूल कह देते हैं, पर वो फैजान एक्चुअल में फैजान, सोडी स्पेलिंग तो वही एफ ए जे है ना, बहुत सारे सोडी फैजांस लॉ. तो वो भी लिख सकते हो सोडी, एस ओ डबल डी वाई सोडी, या तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए. इसमें दो नंबर में डेरिवेशन आता है, इसमें 2m लगा सकते हो. एक इक्वेशन तुमको डिराइव करनी है मैथमेटिकल फॉर्म उसकी. देखोगे इफ कैपिटल N इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दिस सैंपल,
इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है अभी इन दिस सैंपल, इधर है इधर चलिए वैसे जाओ, एंड डेल्टा एन, इनमें से डेल्टा एन का क्या हुआ, अंडरगोज डीके, डेल्टा एन अंडरगोज डीके इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा एन अंडरगोज डीके इन टाइम डेल्टा टी। तो इनके डीके होने की जो रेट होगी देन डेल्टा एन बाय डेल्टा टी प्रोपोर्शनल एन, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी प्रोपोर्शनल एन, और कांस्टेंट लगाएंगे डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो लैम्डा टाइम्स एन, लैम्डा मेंशन करेंगे, इसको रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, सिंपली डीके कांस्टेंट कह सकते हैं, यानी खाली डीके कांस्टेंट, ये सब इसी के नाम। इसकी इंपॉर्टेंस काफी है डीके कांस्टेंट, कैसे अभी आगे सीखते हैं। लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, यूनिट क्या रहेगी वो भी देखेंगे इसकी, वैसे तुम बता सकते हो क्या यूनिट रहेगी इस फॉर्मूले से, बता सकते टाइम इनवर्स, ये मीन लाइफ का रेसिप्रोकल होता है, तो मीन लाइफ की यूनिट अगर ईयर है तो इसकी ईयर इनवर्स। कंटिन्यू करोगे आगे, द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज डीएन। हम क्या करते हैं कंडीशन इंपोज कर देते हैं, जो डेल्टा नोटेशन होता है उसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में बदलने के लिए लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। इज डीएन इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, एक तो माइनस को इंट्रोड्यूस किया हमने, माइनस को इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा एन है वो घट रहा है, डिग्रीज हो रहा है, तो फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, इसलिए नेगेटिव होगा। डीएन इक्वल टू माइनस लैम्डा एन इन टाइम डेल्टा टी, दस रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल एन विद लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले आओ, dn by dt equal to minus lambda n और dn upon n, इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ले आओ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमको डिराइव करना है इस इक्वेशन को n equal to n subscript 0 e raised to power minus lambda t, ये फॉर्मेट चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो तुमने लिखा dn by dt minus lambda n, dn by dt equal to minus lambda dt, now integrating both sides dn by n को करके, तो जब 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1 upon n का क्या होगा, ln n, we get proper limits लगाओगे, n चेंज हो रहा है, शुरू में मान लो n 0 था और at present n है, टाइम चेंज हो रहा है, शुरू में क्या था 0 था और अब कितना है t है, तो लिमिट्स लग जाएंगी प्रॉपर, n 0 टू n, t 0 टू t, 0 के बजाय t 0 मान लेते हैं प्रॉपर। ये ऊपर जो सिंपल दिख रहे हैं वो ऐसे मिसप्रिंट है, ये कुछ नहीं है, पूरा चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dn / n, n 0 टू n इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt, t 0 टू t, ln n माइनस ln n 0 माइनस लैम्डा टाइम्स टी माइनस टी जीरो, फाइनल फॉर्मेट में ले आओ उसको। ये फाइनल फॉर्मेट आ गया, एन इक्वल टू एन जीरो ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, दोनों बार में डेरिवेशन तुम्हें करना होगा। कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, क्यों, लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हाफ लाइफ पढ़ेंगे, इसी में अगर मैं चाहता हूं हाफ लाइफ निकालना, तो हाफ लाइफ में क्या होगा, एन जीरो के आधे रह जाएंगे, एन हो जाएगा एन जीरो बाय टू, और मीन लाइफ भी इसे निकाल सकते हैं, जितने टाइम में एन रह जाता है एन जीरो बाय ई, वो सब पढ़ते हैं अभी, फिर वो आसान वाला फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, लिखोगे नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है,
we are quite often interested in decay rate. हमें डीके होने की रेट चाहिए होती है. वी आर क्वाइट ऑफन इंटरेस्टेड इन डीके रेट. आर इक्वल टू आर से दिखाते हैं, कभी कभी कैपिटल ए से भी दिखाते हैं. आर इक्वल टू माइनस ऑफ डीएन बाई डी टी. एन की वैल्यू डाल दो उसमें, एन जीरो ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा टी, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो. एक स्टेप यहाँ पे खा गए हैं. तुम्हें ये नहीं लिखना इक्वेशन नंबर, कोई ऐसे इस नंबर के लिए कोई इक्वेशन लिखे भी नहीं है तुमने. डिफरेंशिएटिंग यहाँ पर नहीं लिखना तुमको. ये स्टेप के बाद आर इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, एन की वैल्यू डाल देना. एन की क्या वैल्यू डालोगे, ये एन जीरो माइनस लैम्डा डी. ये वैल्यू डालने के बाद अब तुम डिफरेंशिएट करोगे. तुम चाहो तो अगले स्टेप लिख सकते हो नॉट डिफरेंशिएटिंग इट. डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है, लैम्डा आगे चले जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा. e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस खत्म हो जाएगा और इक्वेशन बचेगी r इक्वल टू r जीरो e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा t, जहां पे r लैम्डा n की जगह है, तो r जीरो लैम्डा इनटू n जीरो की जगह है, जहां पे r जीरो है लैम्डा इनटू n जीरो. तो तुम देख रहे हो R में भी उसी फॉर्मेट का फॉर्मूला आ गया. नीचे देखकर R में भी उसी फॉर्मेट का, जैसा N में था फॉर्मूला, वैसा का वैसा फॉर्मूला R में मिल गया. R equal to R0 e raised to power minus lambda. इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं. अभी आ जाएगा. R को हम एक्टिविटी भी कहते हैं. जो डीके होने की रेट है ना, इसी को कहते हैं एक्टिविटी. तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी तुमसे पूछते हैं एक्टिविटी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं एक्टिविटी क्या होगी. ये डीके होने की रेट जो है ये एक्टिविटी होगी. यहां तक हो गया? लिखोगे द टोटल डीके रेट आर ऑफ ए सैंपल, द टोटल डीके रेट आर ऑफ ए सैंपल ऑफ वन और मोर रेडियो न्यूक्लियाइड्स, सैंपल ऑफ वन और मोर रेडियो न्यूक्लाइड्स इज कॉल्ड, मतलब एक्टिविटी पूरे सैंपल के लिए डिफाइन करते हैं, इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ दैट सैंपल, इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ दैट सैंपल. ऐसा यूनिट इज बैक्वरल. पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, नहीं तो इसके शॉर्ट फॉर्म है बड़ा बी छोटा क्यू, स्टैंडर्ड है. बैक्वरल को दिखा दें बी क्यू एंड इसके नाम पर कैपिटल बी स्मॉल. ऐसे ही क्यूरी को दिखाते हैं सी आई. क्यूरी और बैक्वरल का रिलेशन भी लिखना है तुमको. और तुम्हें समझना है क्यूरी ऐसा यूनिट नहीं है. ऐसा यूनिट में या तो लिखोगे वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या लिखोगे बैक्वरल. देखने में परेशानी आ रही तो और लाइट्स जलवाऊं? यस सर, यस सर. नोट कर लिया? ओके. हाफ लाइफ पे आते हैं. द हाफ लाइफ टी सबस्क्रिप्ट हाफ अंडरलाइन कर दो. मैं जरा तो उसको मतलब पीछे वाले पहले वाले इसको तो जलाओ, उससे पहले वाली को. हाँ अभी ठीक है, ठीक है. नहीं और ये नहीं सही नहीं, इधर वाले भी चलाओ. नहीं पोजीशन चेंज
कर लो मेरा पंखी नहीं है सड़ जाओ हाफ लाइफ लिखा हेडिंग तुमने यस सर हाफ ऑफ ए रेडियो न्यूक्लाइड इज द टाइम इन व्हिच एन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू सपोर्ट में ग्राफ तुम खींच सकते हो एन इक्वल टू एन जीरो वाला ग्राफ अगर हम खींचते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम वाई एक्सिस पर एन पर्टिकुलर यह है एन जीरो स्टार्टिंग एन जीरो से होगी एक्सपोनेंशियल डीके होगा इसमें मैं हाफ लाइफ दिखाना चाहता हूं हाफ लाइफ कैसे दिखाएंगे जितने टाइम में नंबर ऑफ एटम्स आधे रह गए एन जीरो बाय टू वो जो टाइम होगा उसको मैं मेंशन करूंगा टी हाफ और बोलूंगा हाफ लाइफ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां पे लिख दूंगा एन की जगह एन जीरो बाय टू आधे रह गए इधर आ गया एन जीरो ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा स्मॉल टी की जगह वो टाइम है जिसमें आधे रह गए टी हाफ एन जीरो कट गया रेसिप्रोकल किया हाफ की जगह टू आ गया यहां वन अपॉन किया तो ई की पावर प्लस में आ गया लैम्डा टाइम्स टी हाफ मीन लाइफ में मत पहुंचना भी लिख लिया तो उसको लिखा रहता ना हाफ लाइफ का डेरिवेशन करो सर अब हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं लॉग लोगे तो इधर आएगा बेस ई वाला लॉग उसको हम ln से दिखाते हैं ln टू इक्वल टू लेफ्ट टी हाफ आगे आ जाएगा ln ई वन होता है ऑब्जेक्टिव है टी हाफ निकालना तो टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास ln टू अपॉन लैम्डा अब या तो तुम्हें ln टू की वैल्यू डायरेक्टली आती हो या उसे कन्वर्ट करना आता हो ln2 बड़ा होता है log 2 to the base 10 से log 2 to the base 10 रटा हुआ होगा 0.3010 ये भी रटा हुआ है तो अच्छी बात है 0.693 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से तो हमें मिलेगा 0.693 तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया उसके बाद तुम मीन लाइफ की डेफिनेशन लिख सकते हो मीन लाइफ टॉ इज द टाइम एट विच कैपिटल एन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 बाय ई लिखो या ई माइनस 1 लिखो e की पावर माइनस वन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तो अगर इसके लिए मैं डेरिवेशन करके बताऊं n इक्वल टू n जीरो e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा t में हमको क्या करना है टाइम निकालना है जिसमें n कितना रह जाएगा n बाय e n जीरो बाय e रह जाएगा तो n की जगह लिखा मैंने n जीरो बाय e equal to n0 e raised to power minus lambda ये हो गया tau t की जगह हो गया tau mean mean life tau हो गया n0 get cancelled log ले लिया फिर से ये पहले reciprocal कर लेते पहले reciprocal किया e equal to e की power lambda tau चाहो तो वैसे डालो चाहो तो log लेके डालो तो तुम्हें result मिलता है tau equal to 1 by lambda tau is 1 by lambda decay constant का reciprocal तो तीनों को अगर लिंक करो tau half तीनों को इन दोनों को अगर लिंक करो tau half और t half और tau को half life को और tau को mean life को तो ये relation आ गया जिसको block में बंद करके लिखना है तो decay constant अगर तुम्हें पता है तो mean life निकल जाएगी मीन लाइफ या डीके कांस्टेंट में कोई भी पता है तो हाफ लाइफ निकल जाएगी तो इसको तो वेरीफाई करना जो मैं डेटा बोल रहा था ऐसे बोल रहा था कि सही है वो कि न्यूट्रॉन की मीन लाइफ अगर 1000 सेकंड है तो उसकी हाफ लाइफ 12 सेकंड होगी इसको लिंक करके देखना कि उसका डीके कांस्टेंट क्या है डीके कांस्टेंट पता हो तभी तो तुम वेरीफाई कर सकते हो तो इससे तो तुम डीके कांस्टेंट निकाल पाओगे अगर तुम्हारे पास हाफ लाइफ है मीन लाइफ है चलो ठीक है तुमने मीन लाइफ से डीके कांस्टेंट निकाल लिया मीन लाइफ 1000 सेकंड मानी अब डीके कांस्टेंट तुम्हारे पास है और उससे तुम हाफ लाइफ निकाल सकते हो मीन लाइफ से डायरेक्टली निकाल सकते हो
लिंक बनाकर देखना बैठता है कि नहीं बैठता, 1000 सेकंड और 12 सेकंड। हमने समझा हाफ लाइफ मीन लाइफ को साइमल्टेनियसली एक फॉर्मूला का फॉर्मेट और लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था तुमको ये वाला फॉर्मेट काम नहीं आता, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। आसान वाला फॉर्मेट क्या है, n अपॉन n जीरो इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू पावर छोटा t अपॉन t हाफ, छोटा t टोटल टाइम, t हाफ हाफ लाइफ। इससे तुम इस तरह का क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्ट हो जाता है, पर इसको भी कर सकते हो। इससे n0 है इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n है t टाइम पर कितने न्यूक्लियाई बचे, वो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और t हाफ लाइफ, t टोटल टाइम। ये जो क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है, देखो इसको डायरेक्ट इससे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रिटियम की हाफ लाइफ है 12.5 ईयर, बीटा डीके हो रहा है उसका। तुमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल विल रिमेन अनडिकेड, सवाल दो तरह से पूछते हैं, विल बी डिकेड, विल रिमेन अनडिकेड। इसमें घूमना नहीं तो मैं कंफ्यूज नहीं होना, जो पूछा वही बता। पूछा अनडिकेड यानी प्रेजेंट कितना बचा, तो था कितना था, जितना भी था 12.5 साल में आधा रह जाएगा, 25 साल में 1/4, तो 1/4 डिके हो गया। पूछा है रिमेन अनडिकेड, 1/4 डिके हो गया कि 3/4 डिके हो गया, पूछा है रिमेन अनडिकेड, तो हमारा जवाब है 1/4। पर अगर पूछा होता कि कितना डिके हो गया तो हम बोलते 3/4। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अल्फा डिके, दोनों इक्वेशन लिख लोगे। अल्फा डीके होने पर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन खिसक जाती है लेफ्ट में टू प्लेसेस। तुमसे अल्फा डीके का एग्जांपल पूछ सकते हैं। अगर एग्जांपल पूछा जाए अल्फा डीके का, तुम्हें यूरेनियम थोरियम याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, एक्स वाई इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, दोनों फॉर्मेट तुम लिख लो। अल्फा डीके कब होता है, जब एटम अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी, एनर्जी ज्यादा आ गई उसमें, तो अल्फा डीके करके वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। Hg2O4 अगर रिलीज हो रहा है तो इतना सारा मास उसका निकल रहा है, तो मास निकल रहा है तो एनर्जी कम हो रही है। बीटा डीके कब होता है, जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अप्रोप्रिएट नहीं होता, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, तो बीटा डीके होता है। और गामा डीके कब होता है, अगर अल्फा डीके हुआ या बीटा डीके हुआ तो न्यूक्लियस चला जाता है हायर एनर्जी स्टेट पे, वहां से ग्राउंड स्टेट में लौटने के लिए क्या करता है, गामा डीके करता है। इसको डायरेक्टली समझना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखोगे, इसमें पूरा नहीं लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना लिखना। द क्यू वैल्यू ऑफ एन अल्फा डीके इज, इसी में लिखना है, द क्यू वैल्यू ऑफ एन अल्फा डीके इज डैश लगा दो। अभी क्यू वैल्यू क्या होती है, ये वो एनर्जी है जो मास डिफेक्ट की वजह से रिलीज हो रही है, तो जो मास प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके मासेस में जो डिफरेंस आ रहा है। तो मान लो x से y बना, x क्या है रिएक्टेंट है, y और अल्फा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट्स का मास सबट्रैक्ट कर दिया रिएक्टेंट में से, जो नेट मास बचेगा उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो। अगर मास किलोग्राम में रखते हो, c को 3×10⁸ मीटर पर सेकंड रखते हो, तो आंसर आएगा जूल में। पर अगर तुम मास को रखते हो u में, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और c स्क्वायर की जगह डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो 931.5, तो आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बीटा डीके स्पेशल लिख लो ना, लिख लो क्यू इक्वल टू, और थोड़ा अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुमने सुन लिया है तो बिना देखे भी लिख सकते थे एम एक्स एम वाई माइनस एम एच टू जी स्क्वायर, किसी और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं,
जरूरी है फॉर्मेट लिखें, हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रैकेट ऑफ 1 इनटू सी स्क्वायर, यही बात है क्लियर? यस सर। पीटर डीके बी से फास्फोरस, एस से सल्फर, सल्फर कैसे रंग का होता है? पीले रंग का, एमोरफोस होता है कि क्रिस्टलाइन, दोनों तरह का हो सकता है। कुत्ते को खुजली हो जाए तो उसकी दवा क्या है, और आदमी को खुजली हो जाए तो भी दवा सल्फर है। सल्फर स्किन डिजीजेस को क्योर करता है। एक ऐसा कुत्ता जिसके सारे बाल झड़ चुके हैं, खुजली से परेशान है, अगर तुम्हें उसकी सेवा करनी है तो उसको बाजार से मेडिकल स्टोर में सल्फर मिलता है। सल्फर लो, या तो रोटी में या तो दूध में डालकर खिलाओ, एक सप्ताह तक रोज खिलाना पड़ेगा, सुबह शाम एक चम्मच, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, एक सप्ताह नहीं एक बार में नहीं, एक सप्ताह में तुम देखोगे उसके बाल उगने लग जाएंगे, खुजली खत्म हो जाएगी, स्किन सेल हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटेड है, ओके टेस्टेड। एक पिल्ला मेरे को मिला जब मैं तुम्हारे बराबर नहीं था, थोड़ा बड़ा हो गया था, शादी हो चुकी थी, मेरे को डाउट हुआ कि वो पिल्ला पॉमेरियन है, मैंने उठा लिया, सड़क पे ऐसे घूम रहा था, पर वो पूरे में खुजली हो रही थी, घर वालों से छुपा के मैंने छत पे ले जाके उसको रख दिया, किसी को नहीं बताया कि पिल्ला है, नहीं तो घर में रखने नहीं देता कोई। अब उसको मैंने इस लालच में कि पोमेरियन है उसको सही कर लेंगे, पोमेरियन पिल्ला आ गया बिना पैसे के, तो उसको मैंने सल्फर खिलाई एक सप्ताह तक पूरा, सुबह शाम दूध में, बाकी रोटी दूध रोटी और ये सब खिलाया उसको। उसके बाल तो आ गए, पर बाल आने के बाद पता चला पोमेरियन नहीं। नोट कर लिया ना, सोडियम नियम बातों में लग गए थे मेरे साथ, सोडियम नियम नोट कर लिया? यस सर। ये याद रखना जरूरी नहीं है, किडनी हाफ दी हुई है दोनों की, किसकी लिखा हुआ भी नहीं है, इसको काट देना, इसको मत लिखना है, दोनों किडनी हाफ को काट देना, लिखना इसमें तुम पहचान रहे हो ये एंटी न्यूट्रिएंट हो, ये इसमें बीटा माइनस लिखे हो रहा है, इसमें बीटा, ये न्यूक्लियस के बाहर हो सकता है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, इसमें अंदर की बात अभी करेंगे हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ठीक है देखेंगे, सिर्फ सुनना है सिंबल्स न्यू बार एंड न्यू रिप्रेजेंट एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो रेस्पेक्टिवली, बोथ आर न्यूट्रल पार्टिकल्स विद वेरी लिटिल और नो मास, दीज पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। During the decay process, neutrinos interact only very weakly with matter. They can penetrate the earth without being absorbed. Stama करके लिखोगे next line में, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखोगे, ये जो लिखा हुआ है वो नहीं, Stama करके लिखोगे। Neutrino is also called ghost particle, भूतिया particle है। Neutrino is also called ghost particle. And it is extremely difficult to detect its presence. It is extremely difficult to detect. Direct question banta hai, uska answer tum likho. Extremely difficult to detect its presence. Because, aisa kyun hai? Because it is neutral. So, interact very weakly with matter. It is neutral, so interact very weakly. Weakly की spelling सही लिखना, कमजोर है ना, weakly double ही मत कर देना, साप्ताहिक नहीं है, कमजोर है। Very weakly with matter. And penetrate the earth and walls without being absorbed. Penetrate the earth and walls without being absorbed. Penetrate the earth
एंड वॉल्स दीवारों को पेनिट्रेट कर जाएगा विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड. इसे इसका पता ही नहीं लग पाया लंबे समय तक और इसको हम बोलते हैं घोस्ट पार्टिकल. न्यूट्रिनो का पता लगाना मुश्किल है. हालांकि यह लिखा हुआ है विद वेरी लिटिल और नो मास, बट नो मास ही समझ में आता है क्योंकि एनर्जी पार्टिकल बोलते हैं, इसलिए मैंने वो लिखा है नहीं क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि लिटिल मास बोलना सही होगा क्या. कई बार इसकी स्पीड, अभी जो रिसेंटली हिग्स बोसन वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसे न्यूट्रिनो भी पाए गए जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल रहे. रिएक्शन लिखोगे और कुछ नहीं. नेक्स्ट डैश, ये दो रिएक्शन लिखोगे. न्यूट्रॉन टूटा, सिंबल लगाओगे 01. प्रोटॉन बना, सिंबल लगाओगे 11. इलेक्ट्रॉन बना E-1 0. खाली E माइनस लगाओ या E माइनस 1 0 दोनों में से. यहाँ पे माइनस और जीरो दोनों एक साथ मत लगाना, गलत हो जाएगा. ऐसे नीचे भी सिंबल लगा देना एप्रोप्रिएट. तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है, न्यूट्रॉन जिसका मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है, रिएक्टेंट्स का मास कम है, सॉरी रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा, रिएक्टेंट है न्यूट्रॉन, प्रोडक्ट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनका मास कम मिलाकर. तो ये रिएक्शन तो बाहर हो सकती है न्यूक्लियस के, और जो नीचे वाला रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन टूटा है, प्रोटॉन का मास कम होता है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा, तो ये रिएक्शन को नेचर सपोर्ट नहीं करता. एक तो रेयरली होती है और न्यूक्लियस के बाहर हो ही नहीं सकती, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर हो सकती है, वो भी तब जब सपोर्ट करे. सपोर्ट कैसे करे? न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी, अगर ये रिएक्शन होगी, प्रोटॉन टूटेगा तो नेचुरल कुछ मास चाहिए न्यूट्रॉन बनाने के लिए, तो मास कहां से आएगा? एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी यानी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ जाएगी अगर ये रिएक्शन होगा. ऐसा होना चाहिए क्योंकि एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी. गामा डिके लिखोगे, तुम्हें याद आ रहा होगा जब EMW पढ़ा था तब मैंने इसका जिक्र किया था. कोबाल्ट 16, कोबाल्ट 2760 से जो कि बीटा एक्टिव है, एक बीटा पार्टिकल निकालेगा और यहाँ बन जाएगा निकल एनाइन 2860, क्योंकि बीटा प्लस नहीं, बीटा माइनस निकाला उसने, तो ये 28 हो गया 27 से. और इसका न्यूक्लियस रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट. वहां से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये दो गामा रे एमिट करता है, पहली 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम एनर्जी वाली, दूसरी ज्यादा वाली 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको सुना सुना लग रहा होगा 1.17 1.33. अब इसके बाद ये आ जाता है ग्राउंड स्टेट में निकल. इसका न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में था, दो गामा रे एमिट करके आ जाता है ग्राउंड स्टेट में. बना लो उसको, दो नंबर में बनाने को आता है. एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग द एमिशन ऑफ गामा रेज बाय कोबाल्ट 2760 न्यूक्लियस सब्सिक्वेंट टू बीटा डी. एनसीईआरटी में बनाओ फिगर 13.4. तुम्हें इसकी मार्किंग भी मिल जाएगी, उसमें इंपॉर्टेंट या लर्न लिखा होगा एल या फिर आई. इस चैप्टर में इसके अलावा तुमको फिशन फ्यूजन की एक एक रिएक्शन तैयार करनी है. न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन. फिशन में कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन. कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, अनकंट्रोल होती है एटम बम में. कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसका मतलब नहीं कि हमने रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया, तो उसके लिए हम एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड्स लगाते हैं, कैडमियम के रॉड्स. 10th क्लास में तुमने जो न्यूक्लियर रिएक्टर की डिटेल पढ़ी थी सारी की सारी रिवाइज करनी है तुमको. तुम्हें पता होना चाहिए मॉडरेटर की तरह हम यूज करते हैं ग्रेफाइट और हैवी वाटर. शील्ड होती है लेड की, शील्ड होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है. यूरेनियम U-235 प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजिली फिसाइल मटेरियल है, उसका फिशन आसानी से होता है. उसके लिए हमें चाहिए होता है धीमा न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन. स्लो कितना स्लो?
जिसमें एनर्जी हो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना स्लो न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है, एप्रोप्रिएट होता है U2-35 का फिशन करने के लिए। 238 का फिशन फास्ट न्यूट्रॉन से हो सकता है, पर उसका फिशन मुश्किल से होता है। तो 238 से हम फ्यूल एनरिचमेंट करके, केमिस्ट्री में आते हैं तुम्हारे डिटेल, फ्यूल एनरिचमेंट करके U235 बनाते हैं और फिर उसका फिशन करवाते हैं। अगर कंट्रोल्ड मैनर में फिशन कराते हैं, फर्मी ने डेवलप किया था पहला न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम भी फर्मी ने बनाया था, फर्मी साइंटिस्ट का नाम, जिसके नाम पर यूनिट 10^-15 मीटर। तो कंट्रोल्ड वे में कराते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर पॉजिटिव वे में एनर्जी यूज कर सकते हैं, हालांकि इससे जो पॉल्यूशन होता है वो रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन है, हार्मफुल है। जबकि इसके कॉन्ट्रेरी जो दूसरा प्रोसेस है फ्यूजन, उसमें जो पॉल्यूशन है वो रेडियोएक्टिव नहीं है, या पॉल्यूशन होता ही नहीं। हमारी कोशिशें जा रही है, हम चाहते हैं फ्यूजन रिएक्टर्स लगाना हर गली मोहल्ले में बिजली की आपूर्ति के लिए। तो तुम्हारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके बैक कवर पे, कवर पेज बैक कवर पे एक फ्यूजन रिएक्टर बना हुआ, उसका नाम है टोकामैक। टोकामैक एक फ्यूजन रिएक्टर है। अभी हम नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे, बिकॉज ये फ्यूजन रिएक्टर इसलिए नहीं बना पा रहे कि फ्यूजन के लिए जरूरी होता है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको अटेन करने के लिए अभी फिशन करवाना पड़ता है। तो तुमने जो सुना है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब, जो भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी, अमेरिका के पास भी, उत्तरी कोरिया के पास भी, सबने बना रखे हैं थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। ये एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। एटम बॉम्ब में खाली फिशन होता है, इसमें पहले फिशन होता है बाद में फ्यूजन होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रीच करके। परेशानी ये थी फ्यूजन रिएक्टर बनाने में कि उस कंटेनर, किस कंटेनर में रखेंगे, इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसका तोड़ ढूंढा जा रहा है। तुमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक आर्टिकल पढ़ा था, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, तो वही प्रोसेस यूज किया जाएगा, मैग्नेटिकली कन्फाइन किया जाएगा चार्ज पार्टिकल को एनक्लोज स्पेस में, क्योंकि कोई कंटेनर इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर पे अपना शेप मेंटेन नहीं कर सकता, पिघल जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए फिशन और फ्यूजन के बारे में, नोट लगाओ। प्रिपेयर वन रिएक्शन ईच फॉर फिशन एंड फ्यूजन, एनसीईआरटी से डायरेक्टली देखकर एक एक रिएक्शन तैयार करोगे। प्रिपेयर वन रिएक्शन ईच फॉर फिशन एंड फ्यूजन। फिशन में तीन रिएक्शन तुम्हें मिलेगी, यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करते हैं, यूरेनियम 235 अनस्टेबल हो जाता है, बनाता है यूरेनियम 236 बहुत ही थोड़े समय के लिए, फिर ब्रेक हो जाता है, तो बेरियम क्रिप्टन में, ज़ीनॉन रेडॉन में, या स्ट्रोंशियम और एक और कोई एलिमेंट है उसमें। अब हर एक में किसी में दो न्यूट्रॉन निकलते, किसी में तीन, किसी में चार भी निकलते। तो आगे हम रिएक्शन को क्रिटिकल करने के लिए क्या करते हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को बचा छोड़ देते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिटिकल चलती रहती है चेन रिएक्शन, उधर क्रिटिकल हो गया। एटम बम में क्या होता है, एटम बम बनाना थोड़ा बहुत सिखा देता हूं, ज्यादा नहीं तो बना लोगे तुम। तो एटम बम बनाने के लिए एक मिनिमम मास होता है, बोलते क्रिटिकल मास, उस मास से अगर कम होगा तो भले न्यूट्रॉन वहां मौजूद है, यूरेनियम का फिशन नहीं कर पाएगा अगर यूरेनियम का मास कम है। तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल मास से थोड़ा सा ज्यादा मास लेते हैं, उसको चार हिस्सों में बांट देते हैं, फोर पार्ट में, स्फेरिकल फॉर्म में या सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, कंपार्टमेंट लगा देते हैं चार, बीच में पार्टीशन वॉल लगा देते हैं, सेंटर में रखते हैं टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टॉलोइन विस्फोटक, सेंटर में टीएनटी रखते हैं, उसके साथ टाइमर वगैरह सेट करते हैं। वो टीएनटी जब फूटेगा तो बीच की दीवार हट जाएगी, और इस तरह का अटैचमेंट रखते हैं स्प्रिंग एक्शन से, चारों टुकड़े कंबाइन हो जाएंगे और मास हो जाएगा क्रिटिकल मास से ज्यादा, और वहां पर न्यूट्रॉन सोर्स मौजूद रहता है। तो क्रिटिकल मास से ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन सोर्स मौजूद रहता है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जो अनकंट्रोल्ड होती है और बम फट जाता है। ठीक है, बनाना मत। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, चैप्टर इज ओवर। इसके बाद हमें 12 नेचर के क्वेश्चन एंड आंसर करने, तो पढ़ चुके हो, कुछ ओरली डिस्कस करेंगे,
अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ। हाँ देखो इसकी इसकी फीलिंग्स देखो, इसके एक्सप्रेशन देखो बच्चे के, ये जो नमस्ते कर रहा है इसके एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, जस्ट फील इट, फील द एक्सप्रेशंस, बी अलर्ट एंड अवेयर। स्पेशल क्लास क्वेश्चन आंसर ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये सिलेबस था इसका, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, हॉलवॉक्स के ऑब्जर्वेशन भी एनसीईआरटी में दिए हुए, सिलेबस में मेंशन नहीं है। हॉलवॉक्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप वाला, जिंक की प्लेट कनेक्ट करके लीफ का डाइवर्जेंस ऑब्जर्व किया था हॉलवॉक्स ने। हर्ट्ज ने क्या किया था, हर्ट्ज ने अपने अपरेटस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज डाली तो स्पार्किंग बढ़ गई, और लेनार्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया था जो तुमने डिटेल में स्टडी किया, ग्लास ट्यूब वाला जिसमें तुमने वेरियस ग्राफ्स खींचे, वो एक्सपेरिमेंट किसका था, लेनार्ड का। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा उसमें आइंस्टीन का नाम जरूर होगा। मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली रिलेशन, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, साफ साफ लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स शुड बी ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल जाओ, हटा दी गई है एक्सपेरिमेंटल डिटेल, ओनली कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन्ड। तो उसका रिजल्ट क्या था, डेविसन जर्मर का रिजल्ट था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन। क्लियर, क्वेश्चन करते हैं जो 2016 मेन एग्जाम में आए, तुम्हें जो बुकलेट में छाप कर दिए हैं वो 2016 मेन वाले दिए हैं, डिटेल सुन लेना ध्यान से। मेडिकल वालों को अभी तक बुकलेट नहीं दिए, मेडिकल वालों के लिए बोर्ड के बुकलेट अभी तैयार कर दी है और छपाई में जाएगी। उनकी बुकलेट में हमने 2015 वाले भी इंट्रोड्यूस कर दिए, तो तुम बोलो कि उनको ज्यादा क्यों दे रहे हो, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कंटेंट कम है तुम्हें कम तैयार करना है, किसी को ज्यादा शौक है तो मेडिकल वाले से लेकर तैयार कर लेना, उसको फोटोकॉपी करवा लेना या उसको तैयार कर लेना, पहले 2016 के तो निपटाओ, मेरे हिसाब से इतने ही सफिशिएंट है। कई बच्चे आते हैं वहां बुकलेट देखते हैं, शिकायत करते, बोलते हैं मैथ्स में तो सबसे ज्यादा है, केमिस्ट्री में फिजिक्स से ज्यादा है, और फिजिक्स में तो कुछ भी कंटेंट दिया नहीं आपने, तो तुम्हारा बर्डन खत्म किया है। फिजिक्स में कुछ भी कंटेंट इसलिए नहीं दिया, जितना दिया है अगर तुम उतना तैयार कर लोगे तो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, उसको तैयार करो, एनसीईआरटी की मार्किंग लगाओ। अभी प्रेजेंटली क्या तैयार करना है तुमको, दिवाली से पहले पहले जितने भी सॉल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी के, प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर जो दी हुई ना गाइडलाइंस दी हुई है, उन गाइडलाइंस के साथ सॉल्ड एग्जांपल तैयार कर डालो दिवाली से पहले पहले। दिवाली की छुट्टी को भी यूज कर लो सॉल्ड एग्जांपल, अगर पूरे नहीं होते सारे सॉल्ड एग्जांपल, किसको लर्न करना है, किसको रीड करना है मार्किंग के हिसाब से, तो तुम्हें एनसीईआरटी की मार्किंग छाप कर दिए। जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी की मार्किंग किसी सीबीएसई वाले बच्चे से लेकर देख लो बुकलेट लेकर, नहीं है तो मेरे से मंगा लो, मैं भेज दूंगा उस पे, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, तो वो तैयार करना है तुमको। उसके बाद क्या करोगे, दिवाली के बाद अनसॉल्व उनको करना है, अनसॉल्व भी मार्किंग के हिसाब से, जिसको लर्न करना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रीड करना है, ये तैयार करना है। 2016 मेन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखो, पहला सवाल जो बोलूंगा वो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। स्केच द ग्राफ्स शोइंग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, टर्मिनोलॉजी से पहचान में आना चाहिए तुमको, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, दिमाग पे जोर डालो। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैपिटल वी सबस्क्रिप्ट जीरो, फ्रीक्वेंसी न्यू, तो कैसा ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप प्लैंक कांस्टेंट बताता था और उसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस वर्क फंक्शन बताता था। ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स ए एंड बी हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज न्यू ए ग्रेटर देन न्यू बी, यानी बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है अगर सेम इंटेंसिटी का रेडिएशन हम डालें, सेम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालें, सेम एनर्जी का रेडिएशन तुमने डाला, फ्रीक्वेंसी सेम, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है उसका वर्क फंक्शन कम है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा, तो बी वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा। तुमसे पूछा व्हिच केस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर, तो ज्यादा किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलेगा उसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, बी का ज्यादा। Does the slope of the graph depend on the nature of material used? कोई सा भी material use करो, metal one, metal two, सबका slope same आना है, H upon E. तो ये orally तुमने solve किया, इसका जो distribution होता है, जो solution वहाँ से provide करते हैं, इस तरह से होता है। Graph खींचने का एक number, ये वाला graph हो गया। पहचानो, सब कुछ familiar लगेगा। Stopping potential और reason लिखने का आधा आधा number, stopping potential तुमने बता दिया, B के लिए ज़्यादा, आधा number। क्यों ज़्यादा? वो बता दिया। और आधा नंबर डिपेंडेंस ऑफ स्लोप एंड एक्सप्लेनेशन,
स्लोप बता दिया कांस्टेंट है आधा नंबर, क्यों कांस्टेंट है बता दिया आधा नंबर, ये मिसिंग है, है स्लोप इज गिवन बाय, तो वो क्या लिखा होता है h upon e which is constant. The given graph shows the variation of photoelectric current यानी PEC with applied voltage V for two different materials and for two different intensities. दो material हैं, दो अलग-अलग intensity of incident radiation. अगर अलग-अलग material हैं तो stopping potential अलग-अलग होगा क्योंकि work function अलग-अलग होगा. दो intensity है तो saturation current अलग-अलग होगी. Intensity अलग है तो saturation current अलग होगी. Identify and explain using Einstein photoelectric equation the pair of curves that correspond to first and different materials but same intensity of incident radiation. तो ग्राफ दिखा रहा हूँ पहचानो, फिर वापस क्वेश्चन पे चलेंगे. 1, 2, 3, 4 लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4 तुम्हें पहचानना है, क्या पहचानना है, डिफरेंट मटेरियल यानी वर्क फंक्शन अलग अलग, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग बट सेम इंटेंसिटी, मतलब सैचुरेशन करंट सेम. तो पहचानो किस किस के लिए, 1 and 2, 3 and 4. क्लियर? वापस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. सेकंड पार्ट, डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम मटेरियल, इंटेंसिटी डिफरेंट मतलब सैचुरेशन करंट अलग अलग, सेम मटेरियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम. 1, 3, 2, 4 पहचान लो. 1, 3, 2, 4 सिंपल ऐसे क्वेश्चन. अगले सवाल पे चलते हैं. ये तो जवाब हो गया, इन्होंने लिखा है इस तरह से लिख सकते हैं जवाब, डिस्ट्रीब्यूशन है मास डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा रीजन बताना था है ना, जहां पर भी रीजन पूछे या जस्टिफाई वर्ड आ जाए तो भी रीजन देना है क्योंकि उसके नंबर है. ये तो लिख दिया तुमने आंसर, अब उसका रीजन बताना पड़ेगा. है सैचुरेशन करंट आर सेम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल था डिफरेंट, एक लाइन में काम चलता है. क्वेश्चन 3, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल. अब यहां थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, तुम में से तुम्हारी पीढ़ी में जैसे वैसे बहुत अच्छे हो तुम लोग, एक कमी है वो ये है कि तुम पूरा नहीं पढ़ते हो और इसकी वजह से नुकसान भी उठा दो कई बार. क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, ठीक से पढ़ा नहीं, क्या पूछा है बस आगे का पीछे का देखकर शब्द देखकर उससे तुम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो क्या है. तो कई बच्चे प्रोटॉन को फोटॉन पढ़ जाते हैं, फोटॉन के लिए भी आता है क्वेश्चन. तो ध्यान रखना है, कोशिश करो हमेशा सहज रहो, नेचुरल रहो, क्वेश्चन को पूरा ठीक से पढ़ो. ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और फोटॉन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी सेम लगाया तुमने, व्हिच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला चाहिए हमको एंड लेस काइनेटिक एनर्जी, जस्टिफाई योर आंसर. फॉर्मूला आधा आधा नंबर, कंक्लूजंस आधा आधा नंबर, कुल मिलाकर 2 नंबर. तो तुमने फॉर्मूला यूज किया लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, पी को कन्वर्ट किया अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी. अब m और q दो फैक्टर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए बड़ा है, प्रोटॉन के लिए छोटा है. तो लैम्डा प्रोटॉन बड़ी हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल में, और लैम्डा अल्फा पार्टिकल कम हो जाएगा. अच्छा इसमें तुम्हें छूट मिल रही है, किसी बच्चे ने कैलकुलेट कर दिया तो भी नंबर मिलेंगे. खाली इसमें बताना था किसका लैम्डा ज्यादा है, किसका लैम्डा कम है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम. पर अगर तुम रेशियो लिख देते हो then also you will get marks. फिर काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, काइनेटिक एनर्जी क्यू वी, ई वी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन होता तो क्या लिखते हैं, ई वी, अल्फा पार्टिकल है तो क्यू वी. अब प्रोटॉन के लिए क्यू कम है, पोटेंशियल सेम है, तो जिसका क्यू कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ज्यादा कैसे होगी, डायरेक्ट रिलेशन. सो मतलब इस टाइम में सुना किसी ने रेशियो निकाला है तो भी पूरा नंबर, ये तुम्हें लिखना है, लिखो पूरा नहीं लिखना है, शुरू का बस एक स्टेटमेंट. स्टेट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन. जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तुमको बोला था टू दी पॉइंट जो आंसर है वो लिखाऊंगा तुमको. स्टेट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन विच आर यूज टू राइट आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. बस यहीं तक लिखना है. डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब नहीं लिखना तुमको. सभी लोग जानते हैं डेफिनेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल की,
मैं एग्जाम का भी दिखा देंगे वैसे याद हो जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करना, फिर तुमसे कह रहे हैं आइंस्टीन इक्वेशन इस्तेमाल करके ग्राफ बनाओ बिटवीन रिलेवेंट क्वांटिटीज। बताओ कि कौन सी रिलेवेंट क्वांटिटीज, कौन सा ग्राफ है जो पहले क्वेश्चन में था वही है, वी जीरो और म्यू के बीच। तो आंसर देखो इसका, दो प्रॉपर्टीज फोटोन के लिए आधा आधा नंबर, आइंस्टीन की इक्वेशन लेके आधा नंबर, उसका डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल आधा नंबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आधा नंबर और ग्राफ का आधा नंबर, इस तरह से कुल हुए तीन। तो लिखना है तुम्हें फर्स्ट आंसर लिखोगे, दो की बजाय तीन प्रॉपर्टी लिख लो, कोई सी दो लिखने पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। अभी तुम तीनों लिख लो। फॉर ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ईच फोटोन हैज एनर्जी, फॉर ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ईच फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, each photon has energy equal to h nu, by itna likh lo. Second, energy of a photon is independent of the intensity of incident radiation, energy of a photon is independent of the intensity of incident radiation. थर्ड, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हुए लिखो जिससे फास्ट लिख सकते हो। ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ ए फोटोन विद एन इलेक्ट्रॉन, टक्कर कैसी होती है, परफेक्टली लास्टिंग। ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ ए फोटोन विद एन इलेक्ट्रॉन द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन गेट एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। Total energy of photon get absorbed by the electron. तो ये फोटोन की तीन प्रॉपर्टी होगी, किताब में भी लिखी हुई है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन तुम जानते हो, नहीं लिखनी है इसको, कोई सा भी फॉर्मेट चलेगा। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कई फॉर्मेट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 की भी कई डेफिनेशन हो सकती है, अलग अलग फॉर्मेट है। पहले एक तरह का डेफिनेशन ये डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इक्वल्स द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल फॉर व्हिच EV0 k max के बराबर हो जाए। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इक्वल्स दैट लीस्ट वैल्यू ऑफ द नेगेटिव प्लेट पोटेंशियल दैट जस्ट स्टॉप्स द मोस्ट एनर्जेटिक एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द प्लेट, प्लेट यानी एनोड, एनोड को प्लेट भी बोलते हैं। Threshold frequency equals that value of the frequency of incident radiation for which kinetic energy zero rahegi, just niklega. Isko aur tarah se define kar sakte hain. For a given photosensitive surface, its threshold frequency is the minimum value of frequency of incident radiation for which photoelectrons can be just emitted from that surface, or that maximum frequency of incident radiation below which no photo emission take place. सही है क्या? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों करके डिफाइन कर दो। ग्राफ, इस ग्राफ पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए। राइट ब्रीफली द अंडरलाइन प्रिंसिपल यूज्ड इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। लिखो अगला सवाल, इसका पहला पार्ट लिखना है, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल है वो समझना है सिर्फ, वो नहीं लिखना। राइट ब्रीफली द अंडरलाइन प्रिंसिपल यूज्ड इन डीजी एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म बना लो डीजी एक्सपेरिमेंट, रेफरेंस के हिसाब से तुम समझ लो कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, टू वेरीफाई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेरिमेंटली, कि इलेक्ट्रॉन्स में भी वेव नेचर होता है, टू वेरीफाई wave nature of electrons experimentally, बस ये नहीं लिखना। Second point numerical है, तुमसे पूछा है what is de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 eV, उसी से formula लगा के answer आ जाएगा। देखो कैसे solve होगा, principle लिखने का सिर्फ आधा ही number है इसमें,
कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा का डेट नंबर है। अच्छा ये चीज जब तुम एग्जाम दे रहे हो तब तुम्हें पता नहीं चलेगी, वहां नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आता है मार्किंग स्कीम जब आती है, तो एक रफ आइडिया लगा सकते हो उसका प्रैक्टिस के साथ। प्रिंसिपल इतना तुम्हें लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, वही हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है यूज करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। अब वो फैक्ट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व, डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स जो कि वेव फिनोमेना है, डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व फॉर बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय द क्रिस्टल, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय द क्रिस्टल्स। ये एक फैक्ट है, अगर तुम्हें याद आ रहा हूं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, डेविसन और जर्मर ने क्या किया था, निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम भेजी, इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल से जाके टकराई, फैल गई, छिद्र आ गई, स्कैटर हो गई। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके लिए पोलर ग्राफ प्लॉट किए, और जब उन्होंने ब्रैग का फॉर्मूला लगाया, जो ब्रैग ने निकल क्रिस्टल से एक्सरे के डिफ्रेक्शन के लिए स्टडी किया था, एक्सरे वेव, एक्सरे के डिफ्रेक्शन के लिए स्टडी किया था, ब्रैग वाला फॉर्मूला लगाया, तो ब्रैग वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की सही वैल्यू निकल आई, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकलती थी, तो उससे प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो कर रहे हैं, उनका डिफ्रेक्शन हो रहा है, तो डिफ्रेक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन बीम के लिए, ये प्रूव करता है इस हाइपोथेसिस। तो ये उसका प्रिंसिपल था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल। अदरवाइज अगर ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया नहीं है, तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया, बताओ डेविसन जर्मर प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है, ब्लैंक कुछ बताएंगे कौन। तो प्रिंसिपल ऐसे बनाएंगे कि वो एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड है, अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल पूछ भी ले एग्जाम में, तो तुम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो या उस चीज के बारे में सोचो, और वही जो अपनी पैट लैंग्वेज है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, स्टार्टिंग करके कुछ ना कुछ लिखकर जरूर रख, मिलेंगे नंबर लैम्डा इक्वल टू 1.227 नैनोमीटर, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, या तो तुम्हें 12.27 एंगस्ट्रम में याद हो, या 1.227 नैनोमीटर अपॉन रूट वी। एक तरीका ये है, एक और तरीका देखो, एक मेथड तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, दूसरा मेथड तुम्हें वो फॉर्मूला याद नहीं तो वैल्यूज रखनी पड़ेगी, अगर 12.27 याद थी तो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ME सब कैलकुलेट करो, उससे भी बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट लिखना है, बी पार्ट नहीं लिखना है, ए पार्ट लिखो, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फोटोन पिक्चर। हालांकि तुम फैमिलियर हो फिर भी मैं इसको लिखवा रहा हूं, क्योंकि डिस्प्यूट क्या आता है, इंटेंसिटी में खाली पर यूनिट एरिया लेना है या पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लेना है, तो एक बार लिख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फोटोन पिक्चर, सबसे पहले तो ये समझो किसकी बात हो रही है, फोटोन पिक्चर की, दूसरी पिक्चर कौन सी है, वेव पिक्चर। वेव पिक्चर में बात होगी इंटेंसिटी की, तो 11th वाली डेफिनेशन काम आएगी, जिसमें एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आएगी, डेंसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी, यहां पर अलग। तो फोटोन पिक्चर में क्या, अच्छा दूसरा पार्ट जो है प्लॉट एक ग्राफ, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसका एक नंबर है इंटेंसिटी की डेफिनेशन, जो तुम्हें पसंद हो ऊपर वाली नीचे वाली वो ले लो, एक में प्रोपोर्शनल टू बताया है, एक में इक्वल्स बताया है। अब यहाँ एक गौर करने की बात है, अगर तुम इन डेप्थ जाना चाहते हो, गहराई में जाना चाहते हो, थोड़ा गहरा गूंथा लगाना चाहते हो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इक्वल्स द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स। हम एक तरफ से कहते हैं इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, पर वो किसकी एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से लेना देना है। यहाँ किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो जो मेन क्लास में तुम्हें फॉर्मूला लिखाया गया है वो किसके लिए है, फोटोन की एनर्जी के लिए है।
तो अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो एनसीईआरटी भी गलत नहीं कह रही, मेन क्लास का जो रजिस्टर है वो भी गलत नहीं कह रहा, दोनों सही कह रहे हैं, दोनों के बीच लिंक बैठा पाओगे, थोड़ी सी डेप्थ में जाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इक्वल्स द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स इंसिडेंट नॉर्मली, एक कंडीशन है नॉर्मली, दूसरी कंडीशन है पर यूनिट एरिया, तीसरी कंडीशन है पर यूनिट टाइम, तीनों कंडीशन लग रही है। इसका दूसरा पार्ट देखो, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट यानी पीईसी वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल है वोल्टेज फॉर थ्री डिफरेंट इंटेंसिटीज, अलग अलग इंटेंसिटी मतलब सैचुरेशन करंट, अलग अलग तीन अलग अलग सैचुरेशन करंट, टू ऑफ विच आई वन एंड आई टू हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम मतलब उनका चार्जिंग पोटेंशियल सेम, एंड द थर्ड हैज फ्रीक्वेंसी न्यू वन ग्रेटर देन न्यू, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन, पहले ग्राफ बनाओ और आइंस्टीन इक्वेशन के बेसिस पे उसका एक्सप्लेनेशन, ग्राफ कैसा बनेगा, ये तीन ग्राफ हो गए, आई वन आई टू सेम फ्रीक्वेंसी, तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग, आई थ्री की फ्रीक्वेंसी न्यू वन दोनों से ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, एक तो ऐसा ग्राफ बनेगा, बेसिक ग्राफ वही है उन्हीं में कंडीशन डाल के मॉडिफाइड सिचुएशन, और ये क्वेश्चन खाली बोर्ड के नहीं, ये क्वेश्चन तुमको मिलेंगे बिट्स में, ये क्वेश्चन मिलेंगे जेई मेंस में ग्राफ बेस्ड। एज पर आइंस्टीन इक्वेशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम, ये एक्सप्लेनेशन दे दिया, ब्रेक ले देते, ब्रेक में क्या देख सीखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए, तुम्हें से जो भी बच्चे टाइम किल करने की आदत बन गई है उनकी, संस्कार बन गया है, परेशान हो गए, टाइम किल करना बंद करो, ये जो समय आ गया है दिवाली से जस्ट पहले, ये समय आ गया है बस, अब समय आ गया है, अब तलवार और नीचे नहीं लटकेगी, सीधे हलाल हो जाओगे, तो अब समय आ गया, अभी तक भी जो नहीं पढ़ रहे हो अब पढ़ना चालू करो, टाइम किल करना बंद करो, कहाँ कहाँ तुम्हारा टाइम किल होता है ये तो तुम जानते हो, धमकी है तुम्हारे लिए, threat है, if you kill time then time will kill you, खत्म किस्सा, time is very strong, underestimate, इसको तुम दुश्मन मान लो, underestimate मत करना, धमकी दो मारने, time management सीखो, save time, preserve time, हर जगह time बचाना है, be healthy, don't get ill, बीमार नहीं पड़ना है, देखो ये बीमारी का मौसम है अभी जो चल रहा है, बीमार पड़े time खराब हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हुए हेल्दी हैबिट्स को एनहांस करो, जो जो हेल्दी हैबिट्स हैं, एप्पल बहुत अच्छा आ रहा है खाओ छिलका हटा के, वो एक दूसरा फल आ रहा है बहुत रसीला आ रहा है वो बब्बू गोशा बोलते हैं उसको, नाशपति जैसा जो भी है लो छिलका हटा के खाओ, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी, खटास बिल्कुल नहीं है उसमें, एप्पल है ना वो मत लेना, वैक्स वाला चमकीला चमकीला एप्पल मत लेना, चमकीला नहीं है वो लेना, ये हेल्दी एक्टिविटी है, बजाय क्या उसी कॉस्ट में पिज्जा या बर्गर खा रहे हो या नहीं खा रहे हो उसकी बजाय ये खाओगे तो हेल्दी, तुम देखो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तुम्हारा, नारियल अभी बहुत, अभी दो तीन दिन में बहुत बढ़िया नारियल देखने को मिल रहा है, नारियल पानी पियो हेल्दी एक्टिविटी, नारियल पानी पीने के बाद अच्छा पहचान करो, जो भी तुम ये यूज कर रहे हो ना, मान लो फल खरीद रहे हो नारियल खरीद रहे हो और थोड़ा अगले स्टेप तक जाओ, उनकी पहचान सीखो आगे लाइफ में काम आएगी, कि कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब होता है, किस नारियल में पानी निकलेगा किस में मलाई निकलेगी, सब अंदर से उसमें मलाई को वेस्ट नहीं करना है, मलाई भी खानी है उसकी, वो भी बहुत पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनको एसिडिटी रहती है ना वो मलाई अंदर जाकर लेयर बना लेती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म कर देती है, तो हेल्दी एक्टिविटीज को बढ़ाओ और अनहेल्दी एक्टिविटीज को ना कर दो, उसको डिस्कार्ड कर दो, बीमार नहीं पड़ना है, every work on time or before, पहले निपटा दो, done, say goodbye to gossips, जो गप्पे मारने की आदत है, खड़े खड़े time pass कर दिया, बैठ के तो रात में night fight, रात की पढ़ाई करेंगे, पता चल रहा पाते 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 जाने के, time खराब कर दिया, तो gossips खत्म कर दो, बिल्कुल gossips नहीं होना चाहिए, इसमें time बर्बाद नहीं होना चाहिए, learn class contained in class only, तो तुम क्लास में बैठे हो तो ये नहीं कि यहाँ से नोट्स कॉपी करके जाना है, यही समझ के यहाँ की पढ़ाई खत्म करके जानी है,
मेमोरी अटेंशन स्पीड फोकस क्रिएटिविटी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे शब्द हैं इनको सही से सीख के कंबाइन करके यूज करो यहां का कंटेंट यहीं पर तैयार करके जाना है हर क्लास का कंटेंट क्लास में तैयार कर तब प्रोडक्टिविटी आएगी घर पे जाके तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे थ्योरी पढ़ने नहीं पढ़ना है घर पे जाके घर पे सीधे क्वेश्चन आंसर पुराना जो पेंडिंग है छोड़ो वो इंटरेस्ट खत्म करता है तुम्हारा करंट में आ जाओ जो अभी अभी चल रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए सारा उसको पेंडिंग मत छोड़ो अभी का अभी निपटा लो तो ये ब्रेक था गांधी जी कह के गए विदाउट एक्शन यू आरंट गोइंग एनीवेयर एक्शन स्टार्ट कर दो क्योंकि बिना एक्शन के तुम कहीं जाने वाले नहीं हो यहीं पर रह जाओ अगले साल लीडर में फिर नजर आओ तो दिस इज टाइम फॉर एक्शन 2015 के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन 2015 में पैटर्न में चेंज हुआ क्या हुआ कि दो दो चैप्टर को कंबाइन कर दिया वेटेज तो फ्यूजन स्टार्ट हुआ और ये चैप्टर जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इसका चार नंबर था वेटेज और एटम्स न्यूक्लियस का छह था तो ड्यूअल नेचर से कभी पांच नंबर का क्वेश्चन आ नहीं सकता था पर 2015 में पहली बार पांच नंबर का क्वेश्चन इसमें से आया चॉइस दे दी उसमें और लगता ही है तो एक क्वेश्चन एटम से दे दिया एक क्वेश्चन ड्यूअल नेचर से दे दिया बच्चे सोच के बैठे पांच नंबर नहीं आता अच्छा कई बच्चे तो इसके पीछे पागल रहते हैं कि किस किस चैप्टर में से पांच नंबर हम तो वो तैयार कर जाए लास्ट टाइम ये हालत हो जाती बच्चों की लास्ट टाइम आते आते पास होने का प्रोजेक्ट बनाते हैं बस बोले किस में से बड़ा क्वेश्चन आता है पांच नंबर का वो बता दो उनके पीछे भागेंगे अलग अलग टीचर्स के पीछे सर पांच नंबर का किस किस में आता है सर भी निशान लगाएंगे ये तैयार पांच नंबर का ऐसा कुछ नहीं है तीन से पांच वाला बन तीन और दो मिलाकर पांच बन जाता है पांच को ब्रेक करके तीन और दो बन जाता है इस क्राइटेरिया को फॉलो करना ही नहीं हमें इस क्राइटेरिया के पीछे भागने हैं हमारी स्टडी है पैटर्न प्रूफ पांच में आए तीन में आए दो में आए एक में सारा करें राइट थ्री ऑब्जर्व फीचर नोट करो राइट थ्री ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखना पीडब्ल्यू राइट थ्री ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ पीडब्ल्यू विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय wave theory of light which cannot be explained by wave theory of light full stop continue karoge explain how Einstein's photoelectric equation photoelectric pura likhne ki zarurat nahi PE equation explain how Einstein's PE equation equation ka bhi short form use karo EQN is used to describe Einstein PE equation is used to describe these features satisfactorily used to describe these features satisfactorily इस क्वेश्चन में वर्ड आ रहा satisfactorily आगे एक क्वेश्चन है वहां पे लिखा हुआ है fully तो कुछ डिफरेंस आएगा क्या चलो अब इतने होशियार तो हो खुद के लिए ताली बजा लो एक बार बी पार्ट से तुम फैमिलियर हो ये वही वाला ग्राफ आ गया इसको नहीं करेंगे हम सिर्फ ए पार्ट का आंसर लेंगे तीन फीचर आधे आधे नंबर के उसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर आधा आधा नंबर यानी डेट एंड तीन तीन नंबर के लिए हम इसको कर रहे हैं देखो पहला फीचर हेडिंग लगाओ थ्री फीचर्स डैश आंसर थ्री फीचर्स डैश फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम के ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मैक्सिमम के ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर वेव नेचर होता तो किस पर डिपेंड करती इंटेंसिटी पर डिपेंड करती पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड नहीं कर रही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही ये बात वेव नेचर के अपोजिशन में है तो वेव नेचर के बेसिस पर ये समझाई नहीं जा सकती यानी ये फेलियर है वेव नेचर का फेलियर सेकंड पॉइंट देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करी है, देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फॉर ईच फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अगर वेव नेचर होता तो हर फ्रीक्वेंसी फॉर एमिट होता, लाल लाइट से भी जिंक से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता, थोड़ी देर बाद निकलता, टाइम लगता। थर्ड, तीसरा फीचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, ये भी वेव नेचर से सपोर्ट नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, इन नेचर, फुल स्टॉप। ये तीन फीचर हो गए। अब एक्सप्लेनेशन देना हमें इनका, पैराग्राफ चेंज करोगे, नहीं लिखना साथ में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, अलग पैराग्राफ में लिखो। We know that Einstein photoelectric equation is, अब लिखोगे K max equal to h nu minus phi z, इस फॉर्मेट। अब इसके बेसिस पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो तीन पॉइंट और लिखने हैं, अभी तक तुमने डेढ़ नंबर कमाए हैं, डेढ़ नंबर और कमाने हैं। लिखोगे फर्स्ट, according to Einstein equation, K max proportional nu, according to Einstein equation, K max proportional nu, that is K max is independent of intensity, हमने Einstein equation से prove कर दिया, that is K max is independent of intensity of incident light, K max is independent of intensity of incident light. लिखते हैं? Second, Einstein equations shows that for nu less than, अब यहां न्यू जीरो पे लिख सकते हो तुम, न्यू जीरो को घुमा के लिखने का तरीका फाइव जीरो बाय एच, क्योंकि फाइव जीरो होगा एच न्यू जीरो, एच एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, न्यू जीरो। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एज इट इज लिख दो जैसा लिखा हुआ है, पर ये नीचे दोबारा इसको रिपीट मत करना, नीचे जो व्हाइट में है उसको मत लिखना, बस तुम्हें लिखना है दैट इज देयर कैन नॉट बी एनी फोटो एमिशन, देयर कैन नॉट बी एनी फोटो एमिशन, बस फोटो एमिशन तक एंड कर दोगे, फोर नहीं लगा, देयर कैन नॉट बी एनी फोटो एमिशन। लिख लिया, तीसरा पॉइंट लिखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, the free electrons in the metal that absorb completely the energy of incident photons, free electrons in the metal that absorb completely the energy of the incident photons get emitted instantaneously, ये वो लैंग्वेज है शॉर्ट एंड प्रिसाइज जो आने ही आना है क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, घुमा घुमा कर पूछा जाता है, आंसर सबका ये बनता है जो तुमने अभी भी लिखा। यदि क्वेश्चन नंबर 7, इट इज क्लियर दैट सीबीएसई कैन आस्क 5 मार्क क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम यूनिट हैविंग वेटेज लेस देन 5 मार्क इन प्रीवियस ईयर, और नीचे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है जो अजमेर रीजन 2015 से था, अलग अलग रीजन के अलग अलग आए थे, उसमें ये है कि फ्यूजन कर दिया उन्होंने, अभी तक बोर्ड में प्योर आता था क्वेश्चन, जिस चैप्टर का उस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर का कांसेप्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, पर 2015 के बाद ये देखा गया है कि दो चैप्टर को फ्यूज करके दे रहे हैं, मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कांसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कंपटीशन में होता है मैग्नेटिज्म के साथ ईएम एंड एमआई एंड एसी मिक्स करके 2018 में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो।
सिर्फ सुनना है समझना है. When the electron orbiting in hydrogen atom, कहाँ से आ गया? Atom nucleus से आ गया. In its ground state, moves to the third excited state. तुम्हें समझना है third excited state का मतलब होता है n equal to 4. Show how the de Broglie wavelength associated with it would be affected. So de Broglie और hydrogen spectrum दोनों को fuse कर दिया. ये question बन गया. हमें पता है आंसर. देखो de Broglie wavelength lambda है जब कौन mv. पहला तरीका ये है. तो lambda proportional किसके हुआ? 1 upon v के. v है ये ना, न्यू नहीं है, velocity. अब हम जानते हैं velocity का जो expression हमने निकाला था nth Bohr orbit के लिए, घूमने वाले electron के लिए, वो inversely proportional to ma. तो जब वो inversely proportional to ma और lambda inversely proportional to v है, तो lambda is proportional to n. तो हम बोलेंगे de Broglie wavelength will increase. क्योंकि n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है तो lambda बढ़ेगा. एक तरीका तो ये है कंक्लूड करने का. एक और तरीका हमारे पास दूसरे इलाहाबाद रीजन और उसमें भी आया था उत्तराखंड में, यानी देहरादून में. तुम जानते हो 2 पाई आर एन इक्वल टू एल लैम्डा कहां से आया? डी ब्रोगली ने बताया, जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसने बोर का. यहां से तुमने लैम्डा निकाला 2 पाई आर एन अपॉन एन. अब तुम जानते हो आर एन जो होता है उसमें क्या होता है? आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. देख लो एन स्क्वायर ऊपर है नीचे एन है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n हो गया. जब लैम्डा प्रोपोर्शनल n हो गया तो n बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा. ठीक है, कई तरह से हम कंक्लूजन निकाल. रिपीट होता है बार-बार. डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. हाउ डज वन डिटरमाइन दीस फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन. सॉल्विंग कर देते हैं आइंस्टीन इक्वेशन. तो देखते चलो, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. Minimum negative potential applied to anode for which photoelectric current becomes zero. Einstein photoelectric equation से कैसे आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे. V zero के terms में expression निकाल लिया, mu zero निकाल लिया. Mu zero आ गया phi zero by h, जैसा भी दिखाया था. Describe briefly three experimentally observed features. ये तुम लिख चुके हो. In the phenomena of photoelectric effect. कौन से लिखे थे तुमने? जो laws of photoelectric emission लिखे थे. Laws of PWE वो use कर सकते हैं. Discuss briefly how wave theory of light cannot explain these features जो भी तुमने लिखे. Cannot explain wave theory. Write the important properties of photons which are used to establish जो तुमने लिखी तीन properties. Use this equation to explain concept of threshold frequency जो भी अभी देखा हमने. Repeat होते हैं कुछ. Fast forward कर रहा हूँ मैं. It fails to explain why the photoelectric emission is instantaneous. There exists a threshold frequency for a given metal. नहीं समझा पाया? The minimum kinetic energy, sorry, maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity. ये तीन feature हैं जिनको wave theory नहीं समझा. Properties आ गए तो photon की, तो properties already लिख चुके हो. Determine the value of the de Broglie wavelength associated with the electron orbiting in the ground state of hydrogen atom. फिर fusion कर दिया. De Broglie wavelength और hydrogen spectrum दोनों को मिला दिया. तो मैं दिया हुआ है value दी हुई है. En 13.6 upon m square. Bohr radius दी हुई है. How will the de Broglie wavelength change when it is in the first excited state? फिर तुम्हें समझना है. First excited state का मतलब n equal to अच्छा कई बार इनसे गलती भी हो जाती है. कुछ गलती होती है तो बोनस हो जाता है, बोनस मार्क्स मिल जाता है. इसमें तो नहीं हुई है, आगे हुई है किसी कुछ. डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट. अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ फ्रॉम 100 वाट मर्करी सोर्स. समझ लेना इसको. तुम्हारे जो कंफ्यूजन होता है ना इंटेंसिटी वाटेज और ये सब वाला मेन क्लास वाला और बोर्ड क्लास वाला. तो देखो वेवलेंथ इतनी है, वाटेज दी हुई है, मर्करी सोर्स है, जैसे मर्करी लैंप इरेडिएट्स ए फोटो सेल मेड ऑफ गिवन मेटल. इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.3 वोल्ट, सारा न्यूमेरिकल डेटा दिया, एस्टीमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. हाउ वुड द फोटो सेल रिस्पोंड टू ए हाई इंटेंसिटी 105 वाट पर मीटर स्क्वायर. इंटेंसिटी ज्यादा हो तो कैसे रिस्पोंड करेगा?
वो 100 वाट है, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो पावर है। नीचे ये इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूस बाय लेजर। ये डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखो। दूसरा ये भी है, सेटअप ऑप्शन में था, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूजिंग फोटोन पिक्चर। तो मैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन, इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अल्टरनेटिवली आई को लिख सकते हैं एन एच न्यू। अब चक्कर पड़ गए यहां पे, जैसे तुमने लिखा आई को एन एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी किससे लिंक हो गई? इंटेंसिटी से लिंक हुई, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी से लिंक है, तो एनर्जी इनडायरेक्टली। जहां भी पावर आएगी तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, पर ये इसकी डेफिनेशन में हमने यूज किया, जो इन डेप्थ जाकर समझने की बात में कर रहा हूं। आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी, वर्क फंक्शन इसमें रखा, वर्क फंक्शन दिया हुआ था, नहीं वर्क फंक्शन निकालना था, वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला, बाकी वैल्यूज हमारे पास थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ था, लैम्डा था। For red light incident, photon energy will be less than the work function, hence no emission of electrons. यहाँ इन्होंने गड़बड़ की थी उसमें कुछ। Also expect there would be. तो या तो calculate करके लिखो, बिना calculate किए अगर तुम्हें अंदाजा है कि कितनी wavelength, कितनी frequency है, वो threshold को cross कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो लिख सकते। या कुछ mismatch हुआ है, check करके मैं वापस को अगले lecture में शामिल करूँगा। दूसरे पार्ट का आंसर दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। कल जो है एटम्स एंड न्यूक्लियस, उसके क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद दो तारीख मंडे को छुट्टी है, तो तुम्हारा एक टर्न खत्म हो गया। यानी नेक्स्ट क्लास सीधे कब आएगी? 3 तारीख को, ट्यूसडे को, 3 तारीख ट्यूसडे को रे ऑप्टिक्स स्टार्ट।